गाइस अगर आप इंस्टाग्राम में टेम्पलेट यूज करके अपना रील्स वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि इंस्टाग्राम में टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता कहाँ पे है और उस टेम्पलेट को यूज करके अपना रील्स वीडियो कैसे बनाते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको ये सभी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिल जाता है पांच ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो होम का ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन है, रील्स का है और नोटिफिकेशन, और यहाँ पे लास्ट में आपको मिल जाता है मी का ऑप्शन। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे अभी लोडिंग ले रहा है। अब गाइस यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक और ऑप्शन मिल जाता है प्लस का, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे चार ऑप्शन शो हो जाते हैं, पोस्ट, स्टोरी, रील्स और लाइव। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पांच छह ऑप्शन अभी बता दिया, इसमें आपको कहीं पे भी टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं मिला। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अब गाइस चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्पलेट का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा। तो नीचे की तरफ जो ये रील्स का ऑप्शन दिया गया है, इस रील्स वाले ऑप्शन में ही आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपको अभी तक रील्स का ऑप्शन नहीं मिला हुआ है तो इसे आप कैसे ले सकते हो। गाइस अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे एक भी रील्स वीडियो अपलोड नहीं किया है तभी आपको ये रील्स का ऑप्शन नहीं मिला है। अगर आप चार से पांच रील्स अपलोड कर देते हो इंस्टाग्राम पे तो आपको भी ये रील्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब गाइस बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं सर्च बार पे क्लिक करके और यहाँ से भी मैं रील्स वीडियो देख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब आप रील्स वीडियो देखते हो और यहाँ पे आप रील्स क्रिएट करोगे, यहाँ से जैसे कि ऊपर की साइड कैमरा वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो केवल रील्स का ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पे फिल्टर शो हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, इसे ही आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कहीं पे भी टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अगर वहीं आप इस रील्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से आप अपना रील्स क्रिएट करोगे तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने कैमरा पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की साइड यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन शो हो रहा है, इफेक्ट शो हो रहा है, और नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो रील्स के बगल में जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है टेम्पलेट का। गाइस इस टेम्पलेट वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट दिए गए हैं। तो गाइस यहाँ से आप इस टेम्पलेट को यूज करके अपना रील्स वीडियो बना सकते हो। अब गाइस रील्स वीडियो बनाने के लिए आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लगता है सिंपली आपको उस टेम्पलेट पे टैप करना है, और जैसे उस टेम्पलेट पे टैप करते हो यहाँ पे क्लिप्स शो हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेम्पलेट में आपको कितने क्लिप्स ऐड करने हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि इस टेम्पलेट में अगर पांच क्लिप्स ऐड करने हैं तो आप पांच ही क्लिप ऐड करोगे तभी इस टेम्पलेट पे रील्स वीडियो बनेगा। अगर आप दो ही क्लिप ऐड करके और नेक्स्ट कर देते हो तब भी आपका इस टेम्पलेट पे रील्स वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे फोटो या वीडियो क्लिप ऐड करने के लिए आपको ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, और जैसे ऐड मीडिया पे क्लिक करते हो गैलरी का ऑप्शन शो हो जाता है। तो आपको अपने गैलरी से वीडियो क्लिप ऐड करना है तो आपको वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपको फोटो ऐड करना है तो फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप फोल्डर से अपना फोटो या वीडियो सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे गैलरी पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका फोल्डर शो हो जाएगा। तो आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपने फोल्डर से फोटोज या वीडियो को ऐड कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे तीन फोटो ऐड करके दिखाने वाला हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैंने तीन फोटो को ऐड कर लिया, अब चलिए मैं यहाँ पे चौथे में वीडियो क्लिप को ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो और फोटो ऐड कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, तो ये अभी ने प्रोसेसिंग हो रहा है तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोसेसिंग हो गया। अब गाइस अगर आप जिस फोटो को सिलेक्ट किए हो उस फोटो के जगह पे दूसरा फोटो ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको उस फोटो पे टैप करना है, और जैसे आप उस पर टैप करते हो तो नीचे की तरफ आपको मिल जाता है रिफ्रेश मीडिया का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप गैलरी से दूसरे फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो उस फोटो के जगह पे। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अगर गाइस आप जिस फोटो को सिलेक्ट किए हो उसमें से आपको दूसरे पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है तो इसे आप स्क्रॉल करके यहाँ पे लास्ट पार्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, मिडिल पार्ट को भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको कस्टमाइज कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं, म्यूजिक का, स्टिकर्स का, और यहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इफेक्ट वाले पे क्लिक करके आप अपने पूरे वीडियो क्लिप में यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर सकते हो, उसके बाद डन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप इसमें म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एडिट म्यूजिक
म्यूजिक पे क्लिक करके और इसमें आपको म्यूजिक ऐड कर लेना है। उसके बाद डन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको आ जाता है कैप्शन लिखने का और यहाँ पे आपको हैशटैग ऐड कर देना है और इसका आपको एडिट कवर पे क्लिक करके आपको कवर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी कवर को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस कवर को सिलेक्ट करना है और डन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको शेयर पे क्लिक कर देना है तो ये वीडियो आपके रील्स अकाउंट में शेयर हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आप इंस्टाग्राम में टेम्पलेट ऑप्शन को यूज करके अपना रील्स वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।